Hi guys, welcome to another super exciting lecture from Confins Labs. And in this lecture we will try to create a clone of music player app. So music player app mein jitni bhi basic functionality hoti hai jaise ki play pause button, rewind button, slider ke through music ko backward forward karna, wo sab copy karne ki koshish karenge. Then iTunes search API ke through hum music ko search karenge. Then URL ke through music ko hum stream karenge. To sabse pehle hum डेमो देख लेते हैं कि हम इस लेक्चर में बनाने क्या वाले हैं. और हो सकता है डेमो के दौरान आपको मेरी आवाज़ ना सुनाई दे क्योंकि मैंने माइक्रोफोन्स को प्लग आउट किया हुआ है. सो लेट मी शो यू द डेमो फर्स्ट. तो ये हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है कॉन्फियंस म्यूज़िक ऐप के नाम से. तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग पार्ट करते हैं अपना. स्टोरी बोर्ड पर चलते हैं. ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर. इसको हम सेलेक्ट करते हैं और एम्बेड करते हैं इसे नेविगेशन कंट्रोलर में. सो अब यहाँ ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से सर्च करते हैं हम एक टेबल व्यू. We'll drag and drop the table view here, and we will also search the search bar here, and we'll drop the search bar here. So now we will place some auto layout constraints. So vertical spacing, top space equal width, center horizontally. तो इसके टॉप स्पेस को हम ज़ीरो कर देते हैं ताकि ये टॉप से चिपक जाए. अब हम टेबल व्यू के कॉन्स्टेंट्स देंगे. सो सॉरी वर्टिकल स्पेसिंग और ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो. और इस स्पेस को भी हम कर देंगे ज़ीरो. सो अब एक सेल ऐड करते हैं, प्रोटोटाइप सेल. उस सेल की लेंथ इंक्रीज़ करते हैं, लेट्स से 150. और अब इसमें एक यूआई व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं. सो हमने यहाँ व्यू तो ऐड कर लिया है बट इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं ताकि हम दोनों व्यू में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ. तो कंटेंट व्यू सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और इसका कलर कर देते हैं हम थोड़ा ग्रेइश. सो अब दोनों व्यू को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अलग अलग. अब इसे सेलेक्ट करके 10 10 10 10 इसे अनचेक कर देते हैं और 10 10 की स्पेसिंग इस व्यू को हर तरफ से दे दी हमने. अब हम इसके अंदर डालेंगे यूआई इमेज व्यू सबसे पहले एक, और इस पे भी कंस्टेंट सेट करते हैं. सेंटर वर्टिकली करेंगे सबसे पहले और लीडिंग स्पेस और इसकी हाइट विड्थ फिक्स कर देंगे. अब इसके कंस्टेंट्स को एडिट करते हैं यहाँ पे जाके. सो लीडिंग स्पेस मुझे चाहिए 20 और विड्थ हो 80 एंड इवन हाइट 80. सो डन विद द इमेज व्यू. नाउ लेट्स ऐड सम यूआई लेबल. यूआई लेबल जिस पे हम सॉन्ग नेम और आर्टिस्ट का नाम और बाकी चीज़ें शो कराएंगे. सो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग टॉप ऐड कंस्टेंट और ट्रेलिंग स्पेस. सो ये हम कर देते हैं
20, और इसको भी कर देते हैं हम 20। और सिमिलरली कॉपी पेस्ट, फिर से कॉपी और पेस्ट, सो इसको देंगे हम लीडिंग, ट्रेलिंग और वर्टिकल स्पेसिंग। एक बार चेक कर लेते हैं वर्टिकल स्पेस, टॉप स्पेस हम कर देते हैं 5। सिमिलरली इसे भी देंगे हम, इसे हम सिर्फ लीडिंग और वर्टिकल स्पेसिंग देते हैं। वर्टिकल स्पेसिंग हम इसे भी देंगे 5। सो अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे टाइम शो कराने के लिए साइड में हम एक और यूआई लेबल लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ इसे, और ट्रेलिंग स्पेस देंगे इसे, बॉटम स्पेस ऐड कंस्टेंट, ट्रेलिंग स्पेस ऐड कंस्टेंट, और इसकी हाइट विड्थ भी फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो विड्थ मुझे इसकी चाहिए 70, हाइट मुझे इसकी चाहिए 30, और टेक्स्ट मुझे इसका चाहिए सेंटर अलाइन, तो सेंटर अलाइन कर देते हैं टेक्स्ट, और ट्रेलिंग स्पेस होना चाहिए 10, और बॉटम स्पेस भी होना चाहिए 10। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं हम, और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट वाइट। तो यहाँ पे मैंने डिज़ाइन थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया है। तो अब चलते हैं, अब इस टेबल व्यू और टेबल व्यू सेल की क्लास बनाते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, सब क्लास करेंगे इसे यूआई टेबल व्यू सेल क्लास से, यूआई टेबल व्यू सेल, नाम देते हैं इसे ट्रैक सेल। सिमिलरली एक और क्लास क्रिएट करेंगे और वो एक्सटेंड करेगी यूआई टेबल व्यू क्लास से, और इसका नाम हम देंगे ट्रैक टेबल। सो हमारी एक और क्लास क्रिएट हो गई टेबल व्यू की, ट्रैक टेबल। तो टेबल व्यू का कोड मैंने यहाँ सेव किया हुआ है, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार सेम कोड रिपीट ना करना पड़े। यहाँ पे डेटा सोर्स एरे के डिड सेट प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर पे मैं टेबल को रीलोड करा देता हूँ, रीलोड डेटा, और यहाँ पर सेल में क्रिएट कर लेता हूँ ट्रैक सेल के नाम से, आइडेंटिफायर भी वही दे देते हैं और बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे हम एक अवेक फ्रॉम निप फंक्शन के अंदर कोड करेंगे, सेल्फ डॉट डेलीगेट इज इक्वल टू सेल्फ एंड सेल्फ डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू सेल्फ, यानी स्टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स फंक्शन इसी क्लास को बिलोंग करते हैं, डेटा सोर्स एंड यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। तो अगर आपको टेबल व्यू बनाने में थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे लेक्चर 9 और 10 देख सकते हैं, जो कि टेबल व्यू पर है। सो आगे बढ़ते हैं, इस सेल को क्लास देते हैं ट्रैक सेल, और आइडेंटिफायर भी देते हैं ट्रैक सेल, ऑलरेडी दे दिया है हमने। सो टेबल व्यू को क्लास असाइन कर देते हैं, जो कि हमने टेबल व्यू के लिए क्लास बनाई थी अभी, ट्रैक टेबल, और अब इसका आउटलेट बना लेते हैं। सो सर्च बार का आउटलेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अब टेबल व्यू का आउटलेट भी बना देते हैं, नाम देते हैं इसे ट्रैक टेबल, जिस पे हम सारे ट्रैक शो करेंगे, और ये मेरी टेबल व्यू सेल की जो क्लास थी ट्रैक सेल, तो इसमें जितने भी यूआई व्यू कंपोनेंट्स हैं सबके आउटलेट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस टाइम शो कराने के लिए टाइम लेबल, इस पूरे वाइट व्यू के लिए सॉन्ग व्यू, और जेनरे शो कराने के लिए जेनरे, तो सभी के मैंने आउटलेट्स क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे, और ट्रैक इमेज को क्लिप टू बाउंस ट्रू कर दिया है।
और इस सेल का सिलेक्शन स्टाइल डॉट नन कर दिया है। ये सिलेक्शन स्टाइल नन करने से जब भी मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो वह हाईलाइट नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं। सो टेबल व्यू के सेल की हाइट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर रो हाइट कर देते हैं 150 और एस्टिमेटेड हाइट भी कर देते हैं 150। ट्रैक टेबल क्लास में चलते हैं और एक बार इसको कमेंट करके रिटर्न 10 करके एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। सो ये हमारे 10 सेल्स बन चुके हैं और जो डिज़ाइन हमने बनाया वो हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सो ये तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब हम कुछ पॉड्स ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अपने प्रोजेक्ट को क्लोज़ करते हैं और चलते हैं टर्मिनल पे, सीडी चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और ये अब हम आ गए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे हम कमांड रन करेंगे पॉड इनिट, और पॉड इनिट रन करने से यहाँ पे एक पॉड फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर ये सारी लाइब्रेरीज और ये सारी डिपेंडेंसीज हम पेस्ट कर देंगे। एल्मो फायर इमेज, ये सारी डिपेंडेंसीज हम यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो इसे क्लोज़ करते हैं और अब यहाँ पे कमांड रन करते हैं पॉड इंस्टॉल। तो मेरे सारे पॉड्स इंस्टॉल हो गए। अब इसे करते हैं क्लोज़ और चलते हैं अपने म्यूज़िक ऐप फोल्डर में। अब इस वर्क स्पेस आइकन से हम इसको ओपन करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। सो ये तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया स्टैटिक डेटा के साथ। सो इस टेबल व्यू को डायनेमिक डेटा के साथ पॉपुलेट करने के लिए हमें API की ज़रूरत पड़ेगी, और इस प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे iTunes सर्च API का सॉन्ग्स को सर्च करने के लिए। तो ये उस API की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये API हमें किस स्ट्रक्चर में, JSON स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। तो ये है एक सिंगल सॉन्ग रिजल्ट का रिस्पॉन्स। तो इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इस JSON फॉर्मेटर वेबसाइट पे, और ये फॉर्मेटेड रिस्पॉन्स हमें मिल गया। तो जो भी सॉन्ग्स रिटर्न होंगे हमें सर्च करने के बाद, तो हर एक सॉन्ग का रिस्पॉन्स कुछ इस स्ट्रक्चर का होगा। तो जैसे कि उस सॉन्ग के आर्टिस्ट का नेम हमें इस की में मिलेगा, और सॉन्ग का नेम, ट्रैक का नाम हमें इस की में मिलेगा, एल्बम का नाम हमें इस की में मिलेगा। कितना बड़ा वो क्या लेंथ है उस सॉन्ग की, वो हमें इसमें मिलेगा मिली सेकेंड में, ट्रैक टाइम मिली। तो आइए इसके अकॉर्डिंग हम अपनी मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल, सपोज मैंने नाम दिया इसे डेटा मॉडल। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, इसे नाम देंगे ट्रैक, जो कि एक सिंगल ट्रैक को रिप्रेजेंट करेगी। इम्प्लीमेंट करेंगे कोडेबल प्रोटोकॉल। तो जो सबसे पहला हम वेरिएबल बनाएंगे वो हम बनाएंगे सॉन्ग का नेम स्टोर करने के लिए, ट्रैक नेम। सो ध्यान रहे कीज़ का नेम हमारे वेरिएबल के नेम से मैच करें। सो आर्टिस्ट का नाम स्टोर करने के लिए हम ये की पिक करेंगे, और इसकी वैल्यू भी है स्ट्रिंग टाइप की। फिर हम एल्बम का नेम सेव करने के लिए इस नेम से वेरिएबल बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास रेडी, और ये क्लास रिप्रेजेंट कर रही है हमारे एक सिंगल ट्रैक को। तो मैं हर एक वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इससे हमारा ट्रैक का नेम मिलेगा हमें, इसमें इससे हमें मिलेगा आर्टिस्ट का नाम, किसका ट्रैक है वो, इससे हमें ट्रैक का जनरे मिलेगा, इससे हमें उसका प्रीव्यू URL मिलेगा जहाँ पे उसका प्रीव्यू सॉन्ग होगा जिस URL पे, और इससे हमें उसकी एल्बम आर्ट की इमेज मिलेगी, और इससे हमें उसकी एल्बम का नेम मिलेगा, और ये होगी ट्रैक की लेंथ मिली सेकेंड्स में। तो हमारी जो लिस्ट है, जो ट्रैक टेबल है, वो इन सारे ट्रैक्स की एक लिस्ट होगी। तो सबसे पहले चलते अपनी ट्रैक टेबल पे,
और इसे स्ट्रिंग की लिस्ट की जगह बना देते हैं ट्रैक्स की लिस्ट, और यहाँ पर ये डेटा सोर्स डॉट काउंट को रिटर्न कर देते हैं। और अब चलते हैं अपने ट्रैक सेल पे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन पॉपुलेट सेल, जिसमें कि पास होगा ट्रैक, जो कि हो ट्रैक क्लास टाइप का। तो यहाँ से निकाल के हम नेम लेबल पे सेट कर देंगे ट्रैक का नाम, सिमिलरली आर्टिस्ट के लेवल पे आर्टिस्ट का नाम। तो अब बारी आती है ट्रैक इमेज सेट करने की, बट उससे पहले हमें देखना होगा कि URL nil ना हो। तो ट्रैक डॉट आर्टवर्क URL, और अगर ये URL nil नहीं है तो URL से इमेज डाउनलोड करने के लिए हम अपना फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे एलिमोफायर इमेज, और ट्रैक इमेज डॉट af अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेट इमेज, यहाँ पे हम URL पास कर देंगे URL। और अब ट्रैक टेबल से जाकर सेल डॉट पॉपुलेट सेल फंक्शन, जो कि हमने अभी बनाया, यहाँ पर हम ट्रैक पास कर देंगे। ट्रैक कहाँ मिलेगा हमें इस डेटा सोर्स एरे में, तो डेटा सोर्स एरे इंडेक्स पाथ डॉट रोएथ वैल्यू। तो हमने मॉडल क्लास भी बना ली है और अपने टेबल व्यू को पॉपुलेट करने का कोड भी लिख लिया है। अब चलते हैं iTunes सर्च API की डॉक्यूमेंटेशन पे और देखते हैं कि कैसे हम इस API को कॉल करेंगे रिजल्ट्स गेट करने के लिए। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में बनाते हैं एक कॉन्स्टेंट फाइल जिसमें हम सारे कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे, कॉन्स्टेंट। सो सबसे पहले इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे हम, लेट बेस URL। तो हमारी API का बेस URL होगा वो होगा ये, और इसके आगे हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स ऐड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे सर्च टर्म कि हमें किस कीवर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग सर्च करनी है, तो जो कि होनी चाहिए URL encoded। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन क्रिएट सर्च स्ट्रिंग। सो सर्च कीवर्ड जो कि हम सर्च करेंगे, जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, where search string is equal to search keyword dot adding percentage encoding dot url query allow। तो जो हमारा सर्च कीवर्ड था उसको हमने URL encoded कर दिया है। तो अब बनाते हैं रेट URL string is equal to term, टर्म जो होगी हमारी वो होगी हमारी सर्च स्ट्रिंग, और उसके बाद हम एंटिटी, हम जो सर्च कर रहे हैं एंटिटी वो होगी म्यूज़िक, और मीडिया जो हम सर्च कर रहे हैं उसका टाइप भी होगा म्यूज़िक, क्योंकि हम और भी मीडिया टाइप से म्यूज़िक वीडियो टीवी शो वो सब हमें सर्च नहीं करना, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ है म्यूज़िक और म्यूज़िक ट्रैक में। तो चलते हैं यहाँ लगाते हैं एंड देन मीडिया इज इक्वल टू म्यूज़िक, फिर दोबारा से लगाते हैं एंड और एंटिटी इक्वल्स टू म्यूज़िक ट्रैक, और रिटर्न करते हैं कंप्लीट URL जो कि होगा रिटर्न
बेस यूआरएल प्लस हमारी जो ये कस्टमाइज सर्च कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी। तो ये यहाँ पर हमारा रिटर्न हो रहा है कंप्लीट यूआरएल, जिस पे हम रिक्वेस्ट हिट करेंगे। हमारा यूआरएल अब रेडी हो चुका है। अब यूआरएल रेडी है तो अब बात आती है इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट हिट करने की, जो कि हम करेंगे एल्मो फायर का यूज़ करके। तो अब मैं एपीआई मैनेजर क्लास स्क्रैच से नहीं लिखूंगा, मैं अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से वो स्क्रैच क्लास ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में। तो अगर आपको एल्मो फायर के थ्रू रिक्वेस्ट करना नहीं आता, एपीआई मैनेजर क्लास बनानी नहीं आती, तो आप कृपया मेरे लेक्चर 20 से लेक्चर 25 तक पहले देख लीजिए अच्छे से, तो ही आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो ये रही मेरी एपीआई मैनेजर क्लास, इसको ड्रैग करके मैं अपने प्रोजेक्ट में ड्रॉप कर लेता हूँ और फिलहाल इधर स्ट्रिंग डाल देते हैं और इस पूरे कोड को कमेंट कर देते हैं और तो यहाँ पे जो मेरी रिक्वेस्ट का रिस्पांस होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। माय एक्चुअल रिस्पांस इस डेटा वेरिएबल में मेरा जो एक्चुअल रिस्पांस जो आईट्यून्स की सर्च एपीआई मुझे रिटर्न करेगी वो इस वेरिएबल में आ जाएगा और मेरे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। तो URL जो हम कस्टम URL क्रिएट करेंगे वो हम इस फंक्शन में पास कर देंगे जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम उसी URL पे रिक्वेस्ट हिट करेंगे। तो चलते हैं अपने व्यू कंट्रोलर फंक्शन क्लास में और अब हम यूज़ करेंगे सर्च बार का, ताकि जो सर्च बार पे हम सर्च करें उसी कीवर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग iTunes सर्च API पे रिक्वेस्ट हिट हो। तो यहाँ लिखते हैं सेटअप सर्च बार और बड़ी खूबसूरती के साथ हम सर्च बार का सेटअप करेंगे, यूज़ करेंगे रिएक्टिव कोकोआ फ्रेमवर्क का। तो सर्च बार डॉट इसे रिएक्टिव बनाएंगे, फिर सर्च बटन क्लिक वाला इवेंट और उस इवेंट को अब हम ऑब्जर्व करेंगे और इसके अंदर सेल्फ को हम करेंगे अनओन्ड और जैसे ही सर्च बटन क्लिक होगा तो हम एक वेरिएबल में सर्च स्ट्रिंग निकाल लेंगे। सर्च बार डॉट टेक्स्ट यानी जो भी सर्च बार में लिखा होगा वो स्ट्रिंग निकाल लेंगे और फिर सर्च स्ट्रिंग को ट्रिम कर देंगे। ट्रिम फंक्शन से क्या होगा, यहाँ पर हम सेल्फ लिखना भूल गए। तो ट्रिम फंक्शन से क्या होगा, जो भी सर्च कीवर्ड के पहले या बाद में एक्स्ट्रा स्पेसेस लगे होंगे वो ट्रिम हो जाएंगे। तो ट्रिम जो है मेरा ये सी एल एक्सटेंशंस, मैंने जो एक्सटेंशंस बना रखी है उनमें से एक वेरिएबल मैंने ऐड करा हुआ है स्ट्रिंग क्लास में। तो ये मेरा प्राइवेट मेरा खुद का बनाया हुआ वेरिएबल है, तो ये आपको स्विफ्ट SDK में नहीं मिलेगा। उसके लिए आप इस ट्रिम को यूज़ करने के लिए आपको मेरी सी एल एक्सटेंशन क्लास अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करनी होगी। तो अब देखते हैं अगर सर्च स्ट्रिंग का काउंट 0 से बड़ा है यानी सर्च बार पे सर्च बार में कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन कॉल iTunes API। तो और
URL यहाँ पर पास हो जाए, तो सेल्फ डॉट कॉल iTunes API और जो हमने फंक्शन बनाया था क्रिएट सर्च स्ट्रिंग और जो कीवर्ड होगा हमारा जो सर्च बार में लिखा होगा सर्च स्ट्रिंग वो हम यहाँ पर पास कर देंगे। और यहाँ पर हम API मैनेजर डॉट API फंक्शन कॉल करेंगे फेच डेटा और यहाँ पर हम वो URL पास कर देंगे। वेयर लेट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा यहाँ पर। सो रिस्पॉन्स इन तो चलते हैं और रन करके देखते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। एक चीज़ हम भूल गए, इन्फो पे लिस्ट में ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स और इसके अंदर आर्बिट्री हाय गाइस, टू वॉच कंप्लीट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर्स यू हैव टू परचेज आवर न्यू iOS ऐप डेवलपमेंट सीरीज एंड फॉर दिस यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द डिटेल्स गिवन बिलो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं confidencelabs@gmail.com पर। बट आवर फर्स्ट 5 लेक्चर्स आर कम्प्लीटली फ्री एंड टू परचेज 6th मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर न्यू iOS ऐप डेवलपमेंट सीरीज यू हैव टू पे 1,999 इंडियन रुपीज़ और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पे करना होगा 2,999 इंडियन रुपीज़ एंड दिस अमाउंट इज़ ओनली वैलिड टिल 15th May 2018 ड्यू टू आवर अर्ली बर्ड सेल। आफ्टर दैट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन वुड एटलीस्ट बी मोर देन द डबल। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सील द डील। आई कैन एश्योर यू दैट दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट वर्थ इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ बिकॉज द नॉलेज कंटेंड इन द ट्यूटोरियल्स इज प्राइसलेस। दिस विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ करियर वाइज। सो इफ यू आर अ फ्रेशर you can learn iOS development through this series and you can easily get a job. And if you are already an iOS developer, you can learn advanced topics from this series and can achieve new heights in your career. So, isse pehle ki aap ye series purchase karein, let me give you a brief introduction of this series. So, is series mein humne starting kari hai Xcode ke overview se, then Swift ke basics cover kare hain, देन स्विफ्ट के थोड़े से एडवांस्ड टॉपिक्स जैसे कलेक्शन प्रोटोकॉल्स एक्सटेंशंस इन्यूमरेशंस जेनरिक्स क्लोजर्स ये सब कवर किया है। देन iOS के कुछ UI व्यू कंपोनेंट्स जैसे कि टेबल व्यू कलेक्शन व्यू UI सर्च बार UI इमेज पिकर एंड UI अलर्ट व्यू ये सब कवर किया है। देन वेब सर्विसेज कवर करी हैं। देन कुछ यूजफुल कोकोआ पॉड्स कवर करें जैसे एल्मो फायर स्विफ्ट जेसन प्रॉमिस किट कार्बन किट SW रिवील व्यू कंट्रोलर यूरेका फॉर्म एटसेट्रा अराउंड 15-20 यूजफुल कोकोआ पॉड्स हैं जो हमने इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में कवर करे हैं। देन डिज़ाइन पैटर्न्स जैसे कि सिंगल टर्न डिज़ाइन पैटर्न ऑब्जर्वर डेलीगेट पैटर्न एंड इवन MVC आर्किटेक्चर ये सब भी कवर करा है हमने इस सीरीज़ में। देन एनिमेशंस चाहे वो यूजिंग ऑटो लेआउट हो या फिर सिंपल फ्लिप व्यू एनिमेशन या फिर एनिमेशन बिटवीन टू UI व्यू कंट्रोलर्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन वो सब भी कवर करा है हमने इस सीरीज़ में। फिर कुछ एडवांस टॉपिक्स जिनके बारे में मुझे प्रॉपर डेटा कहीं नहीं मिलता था तो मैंने कोशिश की कि रिसर्च करके सारा रिसर्च करके कुछ यूज़फुल डेटा एक जगह लाया जाए ताकि हमें जेनरिक बेस्ड प्रोग्रामिंग फंक्शनल प्रोग्रामिंग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इन सब की पावर समझ में आ सके। सो देन बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लेक्चर वाइज सिलेबस का ब्रेकडाउन देख सकते हैं तो आपको और भी अच्छा आइडिया हो जाएगा इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का। और हमने कॉमन सिनेरियोस पे भी कुछ डेमोज़ बनाए हैं
जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, जैसे कि स्ट्रेचेबल हेडर एक बहुत कॉमन सिनेरियो है, देन दो UIView कंट्रोलर के बीच में ट्रांजिशंस एक कॉमन सिनेरियो है, देन कैब बुकिंग ऐप का होम व्यू कैसे बनाएं, इस पे भी हमने ट्यूटोरियल बनाया है, देन ई कॉमर्स ऐप का होम व्यू कैसे बनाएं, ई कॉमर्स ऐप के लिए कार्ट कैसे बनाएं, जैसे यूट्यूब वीडियो प्ले करता है वैसे वीडियो कैसे प्ले करें अपनी ऐप में, एंड और भी बहुत चीज़ें, और भी बहुत कॉमन सिनेरियोज के ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। सो कोशिश यही करी है कि iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया जाए। सो इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन परचेज इट, और अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।